जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने के अमरगढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत बीती रात सोते वक्त एक युवक पर दबंगों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया और बेरहमी से युवक की हत्या कर दी गई। शोर शराबा होने पर परिजन मौके पर पहुंचे, मगर घटना को अंजाम देकर आरोपी बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। बता दें कि गांव ककराई निवासी 34 वर्षीय मिंटू मंगलवार की शाम को घर के पास बनी बैठक के चबूतरे पर सोया हुआ था। आरोप है कि रंजिश के चलते मृतक के रिश्ते के भतीजे ने गांव के अन्य दो युवकों के साथ मिलकर सो रहे मिंटू पर लाठी डंडे और लोहे के सरिये से सिर पर वार कर दिया। मिंटू ने जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने चाकू निकालकर मिंटू को चाकू से गोद डाला। शोर शराबा सुनकर परिजन बाहर निकल कर आए तो आरोपी फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया, लेकिन 1.5 घंटे तक पीड़ित घटनास्थल पर ही तड़पता रहा। पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मौके पे हत्या हो गई उनकी? हाँ जी। आपको कब जानकारी लगी? जब उनकी आवाज़ सुनी, हमने चीख सुनी, हम बाहर को निकल के आए, जब देखे हमने, उन्होंने साफ साफ नाम बता दिया, बिल्कुल जो मार के गए। किस किस के नाम बताया? दीपक, दोनों दीपक हैं। नाम राजीव दीपक, उन्हें हमला कराया। हाँ। आपने घटना की सूचना पुलिस को करी? करी। पुलिस मौके पर आई? हाँ जी आई। तो डेड बॉडी को ले गई? ले गए। तो अब क्या मांग करती हैं आप न्याय की? न्याय की यही मांग करूंगी, किसी के साथ ऐसा ना हो, कैड़ी से कैड़ी सजा दी जाए, तो किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो। रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ जी। कोई आरोपी गिरफ्तार किया गया है? एक बार। क्या नाम है उसका? दीपक। आरोपियों से पुरानी रंजिश थी आपकी कोई? नहीं, पुरानी कुछ नहीं ऐसी। तो ये घटना का अंजाम कैसे दिया गया? दो चार बात थी, उसके बीच में आके बोला, वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, कोई रंजिश नहीं थी? नहीं। ये रिश्ते में क्या लगती है आपकी मृतक? जेठ। अरे, जो मारने वाली? ये जेठ का लड़का लगता है, वो जेठ लगते हैं उसके पापा। जिन्होंने बताया कि मृतक के भाई विजेंद्र और भतीजे सचिन में 4 दिन पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने बीच में दखलअंदाजी कर मृतक की भाभी आशा पत्नी विजेंद्र के साथ भी मारपीट की थी। मृतक के परिजनों ने इसकी शिकायत तभी चौकी पर की थी, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की और फैसले के लिए दबाव बनाने लगी। देर शाम आरोपियों ने साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। वहीं थाना पुलिस ने दावा किया है कि घटना में शामिल एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य दो फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।